जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक अच्छा वीडियो एक अच्छे कंटेंट के साथ जब बन जाता है तो उसे सही जगह पहुंचाने के लिए, मतलब कि रैंक करने के लिए, उसको सही ऑडियंस तक वो रीच करे, इसके लिए ज़रूरी है एक अच्छा टाइटल, डिस्क्रिप्शंस और उसके साथ साथ टैग्स। थंबनेल की इम्पोर्टेंस बाद में आती है। थंबनेल इम्पॉर्टेंट होता है जब हमारा वीडियो कहीं दिख रहा हो, किसी ने सर्च किया और उन चार सर्चेज में हमारा वीडियो वहां दिख रहा है, तब इम्पॉर्टेंट होता है थंबनेल। लेकिन उससे पहले जरूरी है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स, और आज हम इस वीडियो में यही करने वाले हैं। हम एसईओ फ्रेंडली, एसईओ करते हुए एक ऐसा टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि वीडियो पक्का ही वायरल होगा। हम आगे बढ़ें और काम शुरू करें। मैं आपको दिखाऊं सिखाऊं कि किस तरह से ऐसा करना है, उसके लिए कुछ ज़रूरी बातें। ये मैं कर रहा हूं कंप्यूटर पर, और कंप्यूटर पर ट्यूबबडी के थ्रू। आपके कंप्यूटर में ट्यूबबडी इंस्टॉल होना चाहिए। हालांकि हम इस चीज़ को फ़ोन से भी कर सकते हैं, लेकिन आज का जो ट्यूटोरियल है वो कंप्यूटर, उस पर एक ब्राउज़र, और उस ब्राउज़र में इंस्टॉल होना चाहिए ट्यूबबडी। पहले देखिए ये तरीका कितना कारगर है, कितना इफ़ेक्टिव है। उसके बाद कुछ सवाल होंगे आपके जहन में, मैं डिस्कस करूँगा, मैं उनके जवाब दूंगा। पहले देखिए ये ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, मेरा वीडियो जिस बारे में है मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। बिना फेस के, बिना ऑडियो के, इवन कि बिना स्क्रिप्ट के, सिर्फ टेक्स्ट हम देंगे, और इस वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, और उससे अपने आप वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे चाहिए एक अच्छा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स। तो मेरा वीडियो जिस बारे में है, बिना फेस बिना वॉइस के यूट्यूब वीडियो कैसे बनाए, ये मैंने पहले से यहाँ पर थोड़ी सी रिसर्च करके देखी थी। तो मेरा जो टाइटल है ये होने वाला है। इसके लिए मैं जो है एसईओ करना चाहता हूँ इस वीडियो के लिए, इस टाइटल के लिए जो है एसईओ करते हुए एक अच्छे स्कोर के साथ एक बढ़िया टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स लिखना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपने अक्सर कीवर्ड एक्सप्लोरर में काम किया होगा। कीवर्ड एक्सप्लोरर से ही मुझे पता चला है कि बिना फेस बिना वॉइस के यूट्यूब वीडियो कैसे बनाएं, इस टाइटल के लिए मेरा चैनल कैसा है, एक्सीलेंट है, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया है। तो चलिए इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। कीवर्ड एक्सप्लोरर की बजाय हम जाएंगे एसईओ स्टूडियो में। एसईओ स्टूडियो पर क्लिक करेंगे और जो मेरा कीवर्ड है लॉन्ग टेल कीवर्ड, उसे लिखते हुए स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी जो ट्यूबबडी का एसईओ स्कोर है वो 62 है। इसे हमें बढ़ाते हुए 100 के करीब लेकर जाना है, इवन कि हम 100 पर भी ले जाएंगे। 100 के पार तो नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन 100 तक हम इसको लेकर जाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। तो ऐसा करने के लिए आप यहाँ ग्रीन टिक मार्क देख रहे हैं, इसका मतलब ये प्रैक्टिसेस, अच्छी वाली प्रैक्टिसेस आपने पूरी कर दी हैं। रेड वाली को आपने टारगेट करना है और उसे ठीक करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसे कैपिटलाइज कर देते हैं। तो इसे मैंने कैपिटलाइज कर दिया। पाइप साइन लगाकर आप जानते ही होंगे कि आप अपने सपोर्टिव कीवर्ड जो हैं, ये तो हमारा मेन कीवर्ड होगा। कीवर्ड का मतलब ही होता है मेन वर्ड, की का मतलब खास। तो हमारा जो खास वर्ड है वो ये है, बिना फेस बिना वॉइस के यूट्यूब वीडियो कैसे बनाएं। पाइप साइन लगा दिया। पाइप साइन लगाते ही आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा और स्कोर हो गया, इसीलिए आपने ज़्यादातर वीडियो में पाइप साइन देखे होंगे। अब कुछ सपोर्टिव जो वर्ड्स हैं वो लिखना चाहते हैं, क्योंकि एक वेबसाइट है जो कि अपने आप वीडियो बनाएगी। तो मैं सपोर्टिव, मेरा टेक्स्ट है ऑटोमेटिक वीडियो मेकर फ्रॉम टेक्स्ट, मैंने लिख दिया यहाँ पर कैपिटल करते हुए ऑटोमेटिक वीडियो मेकर फ्रॉम टेक्स्ट। अब देखिए डिस्क्रिप्शन में आपका जो कीवर्ड है वो बिना किसी स्पेस के एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। देखिए मैं इसके साथ कुछ गड़बड़ करता हूँ। बिना फेस बिना वॉइस के यूट्यूब वीडियो कैसे बना सकते हैं, अगर मैं इसमें कुछ भी गड़बड़ करूंगा तो ये पार्श, ये देखिए स्कोर कम हो गया, ये पार्सली मैच हो गया। हमें एग्जैक्ट मैच को यूज़ करना है, और मैं यूज ऐसे करना है कि स्मार्टली यूज़ करना है, जेन्युइन होना चाहिए वो यूज, पैराग्राफ के रूप में होना चाहिए। तो स्मार्टली यूज़ करना है तो बिल्कुल ऐसे यूज़ नहीं करना है। तो हम शुरुआत करेंगे, हेलो दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो जो है नो फेस नो ऑडियो का है, तो मैं आप यहाँ कुछ ऐसा लिखूँगा कि मैं मेरे दूसरे कीवर्ड भी इसमें आ जाए।
नो फेस नो वॉइस यूट्यूब चैनल आइडिया, ये भी अपने आप में कीवर्ड है, तो मैंने इसे भी यहाँ पर लगा दिया है। ये हो गया 95 तक परसेंटेज हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ कवर हो गई हैं। यहाँ पर हम करते हैं इसको फुल स्टॉप लगा कर बंद। अब क्या है कि हमें डिस्क्रिप्शन में हमारे जो दूसरे सपोर्टिव कीवर्ड्स हैं वो भी यूज़ करने होते हैं, और हमारा जो मेन कीवर्ड है इसके पार्शियली कुछ टुकड़े, मीन्स कि बिना फेस बिना वॉइस YouTube वीडियो कैसे बनाएं, YouTube वीडियो कैसे बनाएं अलग से, और बिना फेस बिना वॉइस अलग से। तो हमें इसको थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव बनाता हूँ, इस डिस्क्रिप्शन को देखते रहिए आप। तो दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया कि ना तो आपको वीडियो वॉइस ओवर करना पड़ेगा, तो वीडियो वॉइस ओवर ये अपने आप में एक कीवर्ड है। और वीडियो वॉइस, देखिए वीडियो वॉइस को इसने येलो किया क्योंकि ऊपर के जो हमारा मेन कीवर्ड्स है उसमें से ही टुकड़े लेने हैं हमें, करना पड़ेगा ना ही आपको चेहरा दिखाने की ज़रूरत है, सब कुछ ऑटोमेटिक वॉइस मेकर करेगा फ्रॉम टेक्स्ट। तो जो हमारा सपोर्टिव कीवर्ड था टाइटल में ऑटोमेटिक वॉइस मेकर फ्रॉम टेक्स्ट, इनको यूज़ करते हुए आपने ये डिस्क्रिप्शन लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बाकी चीज़ें जो करते हैं वो यहाँ लिख दीजिए, बाद में हम इसे पूरा कर लेंगे जब इसे पब्लिश करेंगे। सम मोर रिलेटेड वीडियोस, तो इसको मैं कुछ और रिलेटेड वीडियोस हो गए बाद में दे दूँगा। और अगर आप चैप्टर्स यूज़ करते हैं, अगर आप चैप्टर्स यूज़ नहीं करते, इसकी उपयोगिता नहीं जानते, इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, तो वीडियो चैनल पेज पर जाकर ज़रूर देखिएगा, ये भी काफ़ी रैंक करने में मदद करता है आपके वीडियो की। तो मैं यहाँ चैप्टर्स के लिए जगह बना के छोड़ दूंगा, इसको बाद में करेंगे। तो देखिए ये सब कुछ हो गया, अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 95 हुआ है, इसे पूरा 100 पर ले जाएंगे। आप देख सकते हैं इंक्लूड पार्शियली मैचेस ऑफ योर टारगेट कीवर्ड, इंक्लूड मोर रेलेवेंट टैग्स, पहला तो हमने कर दिया। इंक्लूड योर एग्जैक्ट टारगेट कीवर्ड एज योर फर्स्ट टैग, इस बात का पूरा ध्यान रखें। देखिए इसने अपने आप ही यहाँ लगा दिया है बिना फेस बिना वॉइस के YouTube वीडियो कैसे बनाएं, जो कि मेरा मेन वर्ड था टाइटल में, उसको पहला टैग बना दिया। अब इससे मिलते जुलते सारे टैग्स यूज़ करने हैं हमें, तो हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि 100% हो गया हमारा स्कोर। एक तो हमने एग्जैक्टली यूज़ किया, फिर बिना, देख सकते हैं आप कि कुछ छोड़ दिया, बिना फेस वीडियो कैसे बनाएं, बिना वॉइस के वीडियो कैसे बनाएं, अकेले वॉइस के अकेले फेस के, तो जो भी कम्बिनेशन जो है, ये भी हमने सपोर्टिव टेक्स्ट लिखा था ऑटोमेटिक वीडियो मेकर फ्रॉम टेक्स्ट, ऑटोमेटिक वीडियो मेकर ऐप भी जो है वो भी काफ़ी सर्च में रहता है। तो हमें ये देखिए इंक्लूड मोर रेलेवेंट टैग्स, रेलेवेंट्स का मतलब है कि जैसे कि बिना फेस है तो चेहरा जो है वो रेलेवेंट होता है फेस का, तो आप बिना चेहरे वाला इस तरह वाले जो टेक्स्ट जो टैग्स हैं वो भी लीजिए, मींस जो रेलेवेंसी होती हो आपके साथ। जैसे कि हम इसमें वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम इसमें वेबसाइट का यूज़ करने वाले हैं अपने आप वीडियो बनाने के लिए, तो उससे रिलेटेड एक सर्च टर्म काफ़ी है, ये देखिए बेस्ट वीडियो एडिटिंग वेबसाइट फ्री फॉर पीसी, तो ये उससे रेलेवेंट है। एग्जैक्ट तो हमने यूज़ करने ही करने हैं, साथ में हमें रेलेवेंट टैग भी यूज़ करने हैं, और ये सब कुछ करते हुए हमने हमारे ट्यूब बड़ी SEO स्कोर को कर लिया जी 100%। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्लिक करते हैं। अब ये हमें दिखाएगा कि हमारा जो वीडियो है, हमारा वीडियो ऊपर वाला है क्योंकि हमने अभी उसे कोई थंबनेल नहीं दिया है, थंबनेल हम बाद में दे सकते हैं। अगर आपने पहले से थंबनेल बना रखा है तो यहाँ से आप अपलोड थंबनेल करके और यहाँ से उसको थंबनेल असाइन कर देंगे। तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये एक लगा लिया है, हमारे मनी एंड मोटिवेशन वाले चैनल का वीडियो है ये, बिजनेस वाला। एनीवे तो अब ट्यूबडी आपको बता रहा है कि आपका वीडियो जो इससे पहले चले हुए वीडियोस हैं, रैंक्ड वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर योगी भाई का वीडियो है, और इनमें आपका वीडियो कैसे दिखेगा। तो थंबनेल बनाते समय भी आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है क्योंकि ये ऑलरेडी रैंक्ड वीडियोस हैं, इनकी कलर थीम देखिए ये किस कलर में बने हुए हैं। ये देखिए टेक चैंपियन सपोर्ट भाई का चैनल वीडियो है,
और भी कई सारे वीडियो हैं, तो आप कोशिश करें कि आपका जो थंबनेल है इन वीडियोस से, इन थंबनेल से अलग दिखे। मैंने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है जो कि इस चैनल का सबसे पहला वीडियो था, चैनल बनाने के लिए किस तरह की कलर स्कीम हो, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप वो वीडियोज भी देख लीजिएगा। अभी ये हमें ये आइडिया दे रहा है कि आपका वीडियो इस तरह से दिखेगा, बाकी लोगों से कितना अलग दिखेगा। तो आप यहाँ चाहें तो अभी थंबनेल लगा सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो को जब पब्लिश करेंगे तब थंबनेल लगा दीजिएगा। तो मैं अभी लगा दिया मैंने, इसे मैं बाद में चेंज कर लूँगा। तो मैं क्लिक करूँगा आफ्टर ऑल सेव ड्राफ्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे ड्राफ्ट्स हैं और यहाँ हमारे अप्लाइड हैं जो हमने अप्लाई कर, आप चाहें तो ड्राफ्ट बना बना के रख सकते हैं। मीन्स ये भी एक स्ट्रेटजी होती है कि पहले आप टाइटल चूज़ करें और टॉपिक चूज़ करें, उसके बाद वीडियो बनाएं। तो आप जिन जिन टॉपिक पर वीडियोस बनाना चाहते हैं उनकी SEO पहले से करते हुए आप वीडियो प्लान करके रख सकते हैं और यहां से जैसे जैसे वीडियोस बनाते चले जाएं उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको कर रहा हूं क्लोज। तो चलिए हाथों हाथ वीडियो को अपलोड कर ही देते हैं, मौका है दस्तूर है, तो ये काम नेक काम अभी कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने वीडियो को अपलोड करते हैं और उस पर जो अभी हमने SEO करके हमारा टाइटल बनाया उसे अप्लाई करते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम जो सिंपली है अपलोड कर देंगे पहले वीडियो को। तो ये है हमारा वीडियो, इसे कर देते हैं अपलोड। तो यहाँ पर ये बना हुआ है, इस पर देखिए आप हमें मिलेगा SEO स्टूडियो अप्लाई एग्जिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, इसमें से आप करेंगे तो आपको सारी लिस्ट मिलेगी। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही है वीडियो, अगर आपने 5-6 वीडियो की पहले से ही, मैंने आपको बताया कि आप इन एडवांस ये SEO करके रख सकते हैं अपने टाइटल्स की, तो हमारे वाला वीडियो है ये वाला और अप्लाइंग ऑप्टिमाइजेशन टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स। तो देखिए जो जो हमने टैग वगैरह सब कुछ जो सिलेक्ट किया था, अगर हमने थंबनेल वहीं पर सेट किया होता तो थंबनेल भी आ जाता, हमने किया था थंबनेल, याद आया मुझे, तो हमने ये थंबनेल दिया था, ये हमारा थंबनेल नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है, तो बस इसे हमने चेंज कर लेना है। अभी थंबनेल चेंज कर लेते हैं, इसके लिए जो मैंने थंबनेल बनाया है ये है वीडियो, कि ना हमें फ़ोटो देनी पड़ेगी, ना वॉइस, ना ही फेस, और वीडियो स्क्रिप्ट से अपने आप ही बन जाएगा। तो इस तरह की फैसिलिटी पे मैंने वीडियो बनाया, तो ये सब कुछ ओके है। अब इसमें कुछ कमियां नहीं, कि जो हमने छोड़ा था इससे रिलेटेड वीडियोस, आप अपने सोशल मीडिया के सारे लिंक्स, आप एंड स्क्रीन में कुछ एलिमेंट लगाना चाहते हैं, मैं लगा ही देता हूँ, एंड स्क्रीन की इम्पोर्टेंस, इन सब पर मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो बना रखा है जो कि आने वाले 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा, कि हमें यहाँ पर किस तरह से करना चाहिए काम, किस तरह से मतलब एफिशेंटली और परफेक्टली क्या तरीका है, कुछ भी नहीं करना है हमें, तो इससे रिलेटेड वीडियोस। ये हालांकि पार्ट नहीं है हमारे आज के टॉपिक का, फिर भी आप देख लीजिए, ये वीडियो है, इससे रिलेटेड ही हम कोई वीडियो देते हैं यहाँ पर। तो आज के वीडियो से रिलेटेड ये वाला भी आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि आप किस तरह से कीवर्ड्स, हमने तो टारगेट किया ना कीवर्ड को, हमने टारगेट किया वो कीवर्ड जो कि हमें पहले से पता था, हमें कीवर्ड का पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए आप ये वीडियो है ना, कि ये आप थंबनेल आपने देख ही रखा है, वीडियो लगा देगा आगे इस तरह वाला जो थंबनेल है, इसमें हमने गूगल की एक सर्विस क्वेश्चन हब उसको डिस्कस किया, देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये सब कुछ हमने कर दिया, जो जो चीज़ों की इसमें कमी है सब कुछ करने के बाद, फिलहाल हम इसे कर लेंगे विजिबिलिटी अनलिस्टेड, जब चाहें तब इसको हम पब्लिश कर देंगे। तो देखिए हमारा वीडियो यहाँ पे पड़ा है अनलिस्टेड, सब कुछ इस पे अप्लाई हो गया है, फिर से देख लीजिए टाइटल आ गया है और डिस्क्रिप्शन आ गया है, यही चीज़ें मेन थी, और हमारे जो टैग्स जो थे वो हमने जो लिए थे वो यहाँ पर आ गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने वीडियो को टाइटल डिस्क्रिप्शन इवन की थंबनेल अगर आपने पहले बना रखा है तो थंबनेल दे देंगे और पब्लिश कर देंगे और वीडियो बहुत ही वायरल होगा। इस तरह का वीडियो, इस तरह से जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ कितने इफेक्टिव होते हैं, इसके लिए भी एक वीडियो तैयार है, इस वीडियो के जस्ट बाद आएगा लाइव डेमो के साथ, कि किस तरह से आधे घंटे में वो 1000 से ज़्यादा व्यूज़ लेगा, वो जरूर देखिएगा। अब आपके जहन में कुछ सवाल हैं, पहला कि ट्यूबबडी क्या है, तो जो भाई नहीं जानते कि ट्यूबबडी क्या है, ट्यूबबडी एक ऐप है जो कि SEO करने के काम में आती है, ये ऐप मोबाइल के लिए भी अवेलेबल है, आप मोबाइल पे इसे इंस्टॉल कर लीजिए, हमने इसे इंस्टॉल किया है ब्राउजर में, ये हर तरह के ब्राउजर को सपोर्ट करती है, हर ब्राउजर के लिए इसके एड ऑन प्लगइन्स नाम अलग अलग होते हैं, एक्सटेंशंस क्रोम के केस में,
तो ये अवेलेबल होते हैं, आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसके लिए ट्यूबबडी इंस्टॉल कर लें। सेकंड, जो हमने फीचर यूज़ किया ये ट्यूबबडी के फ्री वर्जन में नहीं है, लेकिन मैंने बिना पैसे दिए फ्री वर्जन यूज किया है। आज के इस वीडियो के स्कोप में मैं अज्यूम करता हूं कि आपको पता हो कि आप किस तरह से फ्री में एक महीना ट्यूबबडी को चला सकते हैं, किस तरह से प्रो वर्जन, इवन कि प्रो से भी जो आगे का वर्जन है स्टार वर्जन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ किस तरह से ले सकते हैं। जिन भाइयों को नहीं पता तो कॉमेंट कीजिएगा, हम इस पर भी एक वीडियो अगले एक दो दिन में ले आएंगे। और अब बात करते हैं आज के ट्यूटोरियल की। कुछ भी अगर नहीं समझ आया है, कोई डाउट है, तो इससे रिलेटेड कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, आप वहां डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का ट्यूटोरियल, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं है तो प्लीज़ सुझाव दीजिए कि हम हमारी गुणवत्ता को, हम हमारे वीडियोज को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में बड़ी जल्दी ही। इजाज़त, जय हिंद।